राधे राधे दोस्तों, कथाओं की कड़ी में आज हम फिर से होली से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा लेके आए हैं, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका का दहन किया जाता है। होली की पौराणिक कथा चार घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरी कामदेव और शिव, तीसरी राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी, और चौथी श्री कृष्ण और पूतना की कथा। लेकिन उक्त सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी की घटना को याद कर होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलेंडी का त्यौहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं होली की पौराणिक और प्रामाणिक कथा। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा वृक्ष पर। ऋषि कश्यप और दिति के दो बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, और दो पुत्रियां सिंहिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष ने धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिकी को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यप और होलिका, इन्हीं की यह कथा है। एक बार की बात है, त्रिलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुर राज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि वह अमरता का वरदान चाहता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से मेरी मृत्यु ना हो, मैं समस्त प्राणियों पर राज कर सकूं। मुझे कोई न दिन में मार सके न रात में, न घर के अंदर मार सके न बाहर, यह भी कि कोई न किसी अस्त्र से प्रहार कर सके न किसी शस्त्र से, न भूमि पर न आकाश में न पताल में न स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था, और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा, तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न कर दिया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा, पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाएगी, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करेगा वह मार दिया जाएगा। उचित समय आने पर प्रहलाद का जन्म हुआ, तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकश्यप के चार पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नव विधि भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की, तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने
अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया, हर तरह से मारने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यपु को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती। अग्नि में तो सभी भस्म हो ही जाते हैं। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी नहीं हानि पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्धति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। होलिका यह बात भूल गई थी। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। सद्धति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका स्वयं तो जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से वापस आ गए। यह देखकर तो हिरण्यकश्यपु और भी ज्यादा क्रोधित और चिंतित हो गए। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें, सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है वो तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंभे में है जिसे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यपु ने खंभे में घूसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ, यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और संध्या की वेला में, जब न दिन थी न रात था, सभा की दहली पर, न घर के भीतर न बाहर, अपनी जांघों पर रखकर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नखों से, न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ दिया। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजार भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान गोलोक में चले गए। ये थी होली की इतनी सुंदर कथा, जिसका श्रवण हम सब करते आए हैं। आशा करती हूँ आपको भी मेरी आज की ये कथा जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही चैनल पर नए हों तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।